ये लॉकडाउन की सिचुएशन है। एक्टर्स की अगर बात करें तो वो अपने अपने हिसाब से एंटरटेनमेंट का डोज दे रहे हैं। कोई इंस्टाग्राम पे अपनी फिटनेस वीडियोस बना रहा है, कोई डांस वीडियोस बना रहा है, कोई अपने मोनोलॉग्स बना रहा है, कोई अपनी शॉर्ट फिल्म बना रहा है, या फिर कोई अगर बात करे तो म्यूजिक वीडियो बना रहा है। अब ऐसे में अद्विक महाजन और रश्मि देसाई, टेलीविजन जगत की बड़ी जो हस्तियां हैं, वो कुछ खास लेकर आए। वो एक मैसेज वाली शॉर्ट फिल्म लेकर आए। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, तो ये YouTube में अवेलेबल है तमस नाम से, और आप इसे एकदम से इजीली देख सकते हैं, और 20 से 25 मिनट की होगी, और लास्ट में एक मैसेज भी देकर जाएगी ये, तो यह देखिएगा जरूर। तमस की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो रश्मि देसाई के फैंस बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि रश्मि देसाई का ये जो कातिलाना लुक है, इसके दर्शन कब होंगे। तो भाई, अपने जो दिल के धड़कन है उनको संभाल के बैठिए, क्योंकि रश्मि देसाई शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं आने वाली, बस एंड में आती हैं, अपनी खूबसूरती को दिखाती हैं, अपने खूबसूरत चेहरे को दिखाती हैं, और एक बहुत ही बढ़िया मोनोलॉग प्रेजेंट करती है, और उसके बाद टाटा बाय बाय कर लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस कहानी में कुछ इस तरीके से रश्मि देसाई को इस्तेमाल किया गया है कि उनकी आवाज ही आपको पहले मंत्रमुग्ध कर देगी, और आप चाहेंगे कि रश्मि का आप चेहरा देखे 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 देखें, लेकिन रश्मि देसाई को डायरेक्टर साहब जो है हमें लास्ट में रिवील करते हैं। चलिए बात करें अगर दोस्तों, तो यहां पर राइटर भी, डायरेक्टर भी, एक्टर भी, डीओपी भी जो है अद्विक भाई हैं, यानी कि अद्विक महाजन। उन्होंने पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दिया है कि भैया अगर शॉर्ट्स में थोड़े ऊंच नीच हो जाए तो माफ करना, क्योंकि ये एक तो क्वारंटाइन में है, सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें इस्तेमाल किया गया, प्लस आईफोन से शूट की गई है, प्रोफेशनल कैमरा नहीं है। अरे जैसे फिल्म स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो ऐसी फोन से शूट करके बना दिया, सो लगभग ये ऐसी है। देखिए, फिल्म का सबसे खास बात तो यही है कि ये जो वॉइस की तरह के साथ जो खेला गया है, जिस तरीके से इनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ है दो कैरेक्टर्स के बीच में, वो बहुत अच्छा है। और अगर बात की जाए दोस्तों, तो वही जो है स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। बट यस, स्टोरी लास्ट तक आते आते जो है प्रेडिक्टेबल हो जाती है, एज यूजुअल, जो हमारी हिंदी सिनेमा की खासियत है, और आप इजीली फिगर आउट कर लेते हैं कि आखिरकार रश्मि देसाई के कैरेक्टर के साथ क्या रहस्य जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप पोस्टर देखेंगे तो भी आप इजीली समझ जाएंगे कि क्या है। बट यस, द बेस्ट थिंग इज कि ये एक पॉजिटिव मैसेज के साथ जाती है। मतलब अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर क्वारंटाइन प्लस लोगों को जो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, प्लस लोगों को जिस तरीके से बोर्डम आ रहा है, इन सारे ही चीजों को ये टैकल करती है, और लोग जो आपस में बोर हो रहे हैं घर पे बैठ बैठ कर, वो ये फिल्म कनेक्ट करती है, और लोगों को बातचीत करना, अपने पड़ोसियों से बातचीत करना सिखाती है ये फिल्म। वहीं अगर बात करें दोस्तों, तो अद्विक भाई जो है स्टार्टिंग फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक हैं, बीच बीच में कुछ ऐसे पल आए हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जहां पर हम थोड़े से बोर हो गए हैं, जहां पर रिपीटेटिव चल रहा है, बट कोई बात नहीं, पहले टाइम डायरेक्शन किया है अद्विक जी ने तो अच्छा ही है। वहीं अगर बात करें दोस्तों, तो रश्मि देसाई का लास्ट का मोनोलॉग कुछ सोचने पर मजबूर करता है, और देश में जिस तरीके से हमारे धर्मों को लेकर टेंशन क्रिएट की जाती है, या फिर जो छोटी छोटी चीजें लोगों के दिमाग में डाली जाती हैं, वो कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश की है, बट कहीं ना कहीं स्टोरी मुझे ऐसी लगती है कि वो हिंदू फोबिक होती जाती है। अब ये क्या है, ये तो अद्विक जी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता कि क्यों उन्होंने इस तरीके की स्टोरी बिल्डअप करी। अगर देखा जाए तो उसमें दूसरा एंगल भी आप दिखा सकते थे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल। वहीं अगर बात करें दोस्तों, तो कहानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बांधे रखती है, कहानी आपको समझ में भी आ जाएगी, और कहीं ना कहीं हिंट भी आपको मिल जाएगा कि आखिरकार इसमें क्या चलने वाला है और लास्ट में क्या होगा। वेल, इन सारी चीजों के बीच में एक अच्छी पहल है, तो कोशिश कीजिए, आप जरूर देखिए, यूट्यूब में है, फ्री अवेलेबल है, एंड तमस नाम से आप सर्च कीजिएगा, वो तुरंत आ जाएगा। एंड लास्ट में रश्मि देसाई का जो मोनोलॉग है ना दोस्तों, वो सोचने पे तो मजबूर करता है, बट फिर अगेन वही एक एजेंडा कि हिंदू फोबिक क्यों बना दिया, यू नो, यू गेटिंग इट, वो क्यों बना दिया, कुछ और भी उसके पास रख सकते थे, कुछ और भी। सारी चीजें जो होती हैं वो दोनों ही एस्पेक्ट पे होती हैं, तराजू के दोनों पलड़े होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ऐसे में यहां पर अगर बात करें तो दोनों पहलू अगर दिखाते तो ज्यादा अच्छा रहता। वेल, कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है, उनकी समझ है, लेकिन आप देखिए जरूर और मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें दोस्तों, तो वन टाइम वॉच है ये, एंड रश्मि देसाई के फैंस के लिए ये एक बहुत अच्छी ट्रीट है, राइट? रश्मि देसाई बेहद खूबसूरत लगी हैं, जितना भी उनको दिखाया गया है, एंड एक अच्छी पहल है, और इससे और भी जितने भी यू नो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं उनको एक सीख मिल सकती है, और वो और अच्छा कॉन्सेप्ट कुछ डेवलप कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, पास्ट में आपने बॉलीवुड स्पाई को ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ।
अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का, यानी कि फूड स्पाई को, जहां पर आपको अलग अलग अनोखी रेसिपीज तो मिलेंगी, साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, उनके डाइट प्लान्स क्या हैं, और तरह तरह की अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूड स्पाई का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलता हूँ।